दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली है। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप पर उनका मैसेज आया है। इसमें कहा गया है कि वे किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज की जांच कर रही हैं। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG की टीम ने भी जाँच शुरू कर दी है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में क्रूड बम जैसा मटेरियल मिला है। हालांकि पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही आधिकारिक जानकारी मिल पाएगी। दरअसल प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे धमाका हुआ था। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन CRPF स्कूल की दीवार, आसपास के दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा। इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। मई में 150 से ज्यादा स्कूलों में बम धमाके की धमकी से जुड़े ईमेल आए थे। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी पड़ताल कर रही हैं।